साथ बशीर अहमद नाइक साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है पीडीपी पार्टी से, ये कुछ आपने विचार रखना चाहते हैं। मेरा ऑनरेबल गवर्नर से ये रिक्वेस्ट है कि बर्फानी इलाकों से पैदल हम 60-70 किलोमीटर पैदल आकर मकरकोट के नेशनल हाईवे पर पहुंचते हैं और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन रामबन डीसी साहब से हमने चाहा फोन करके बात करना, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने संजीव वर्मा जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है उससे बात करना चाहा, उन्होंने नॉटिजिबल कर दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूँ रामबन बानहाल के धर्मांधा सवारियां, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके बच्चे जो रामबन और उधमपुर जा रहे हैं, जम्मू और दिल्ली जा रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या सुविधा है, क्या गाड़ियों का इंतजाम है, ये कहाँ जाएंगे, इनके साथ बात कौन करेगा? अगर डीसी रामबन नहीं करता है, एसपी रामबन नहीं करता है, बानहाल तहसीलदार नहीं करता है, रामसू एसडीएम नहीं करता है, फिर करेगा कौन बात? मैं जानना चाहता हूँ सत्यपाल मलिक जी, आप गवर्नर हैं और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही काम करता है क्या? आप तो बार बार कहते हैं करप्शन बंद करो, ये 100 रुपए वाले 200 रुपए कैसे लेते हैं? आपका ट्रैफिक एसपी है कहाँ? आपका ट्रैफिक इंतजाम है कहाँ? आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ? आप इन गरीब लोगों से कितना चार्ज करोगे इन 15-20 दिनों में? बर्फानी इलाके वाले लोगों को, गरीब लोगों को, मैं उधमपुर खुद जा रहा हूँ, मेरी बेटी है वहाँ, एक बेटी जम्मू है, ये मेरा एक साथी बनहार से है, ये दिल्ली जा रहा है, इसके बच्चे दिल्ली में है, ये सारे लोग जो है इस वक्त रामबन और बानहाल और उधमपुर जा रहे हैं। आप इलेक्शन कराते हो, सिर्फ इलेक्शन कराओ, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ बेसिक राइट हमारे हैं, नेशनल हाईवे हो या लिंक रोड हो। मैं लिंक रोडों की बात नहीं करूंगा क्योंकि लिंक रोड 1947 से बंद है, मुझे उम्मीद है वो अभी 50 साल बंद रहेंगे, लेकिन नेशनल हाईवे जिसने गुलाब सिंह ने बनाया है और गुलाब सिंह के बाद किसी ने नहीं बनाया है, आप बड़े बड़े दावा करते हो। मैं आपको ये जान आपसे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूँ ये लोग हमारे धर्मांधा क्यों है, डबल रेट क्यों है, परेशानी क्यों है? आप श्रीनगर में रोक के दिखाइए ना ट्रैफिक को या वहाँ के बर्फ हटाने को। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मगरकोट एरिया जो है यहाँ पे अमूमन जो है मुसाफिर धर्मांधा होते हैं, उनको वक्त पे गाड़ी नहीं मिलती है, क्या वजह, आप क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? मैं तो रामबन डीसी के ऊपर ही यह गिला शिकवा करूंगा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर एसडीएम रामसू है, तहसीलदार रामसू है, पुलिस पोस्ट रामसू है, हमारे एसएचओ साहब बैठते हैं यहाँ, ये उनकी जिम्मेदारियाँ बनती है कि लोग कहाँ से आए हैं, कितना पैदल सफ़र करके आए, इन्हें कहाँ जाना है, ये परेशान क्यों है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का अवलीन फुर्सत में इनका काम है। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब।